आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा? कंपनी। कंपनी में हम लोग बात कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स की, बल्कि इसका सही नाम क्या है? इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू। क्या नाम है बेटा? इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो हम लोग शुरू हो जाते हैं बेटे, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं सीधा लेके चलता हूं आपको वहां पर जहां से हमने लास्ट क्लास रोकी थी। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स चल रहा था जी हमारा, और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में मैं आपको क्या करा रहा हूँ, पहले एग्जांपल करा रहा हूँ। मैंने आपको इशू के एग्जांपल कराए, मैंने आपको अब जो करा रहा हूं मैं किसके एग्जांपल करा रहा हूँ? फॉरफीचर के। फॉरफीचर का एक एग्जांपल बचा हुआ है, एक नहीं बल्कि दो एग्जांपल, और फॉरफीचर के वो एग्जांपल कराने के बाद में फिर हम चलेंगे री इशू के एग्जांपल पर। मतलब इस तरह से हमारा जो ना पूरा चैप्टर एग्जांपल्स में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, और वो भी सारे टेक्निकल पॉइंट्स के साथ। उसके बाद में स्टडी मॉड्यूल के हम एक एक इलस्ट्रेशन को, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी, चलिए आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग, लेट स्टार्ट। और एज यूजुअल हमेशा की तरह से एक छोटा सा प्यारा सा रिकॉल लीजिए जी। चलिए जी शुरू करते हैं जी, एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा रिकॉल। लो बेटा जी, वीडियो ऑन रखो बेटा। हमारे पास में मोटिवेशन बस यही रहता है कि बच्चों को वीडियो ऑन देती है। वीडियो मैंडेटरी है जी, मैंडेटरी है, ऑन करना मैंडेटरी है। लो बेटा जी, बेटे पिछली क्लास में हम पहुंच गए थे फॉरफीचर पर, और फॉरफीचर में हमने क्या देखा था जी? फॉरफीचर दोनों शेयर्स का, जो शेयर्स ओरिजिनली इशू हुए थे किस पे? पार पे। और वो वाले शेयर्स जो ओरिजिनली इशू हुए थे किस पे? प्रीमियम पे। तो जो शेयर्स पार पे इशू हुए थे हमने उसके लिए एग्जांपल लिया था, ठीक है ना। हमें क्या करना था? सब चीजों को दो पार्ट में तोड़ना था, तीन पार्ट। कॉल्ड अप, फिर कॉल्ड अप का एक पार्ट था रिसीव, जिसको हम कहते थे वही जब्त हो गया, मतलब फॉरफिट हो गया। और दूसरा पार्ट था बेटा जो नॉट येट रिसीव, मतलब फॉरसीन एरियर्स। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ दो शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। बेटा एक बात ध्यान रखना, यहां मैं जो आपको एग्जांपल में करा रहा हूँ वो है एक शेयर की कैलकुलेशन। कितने? एक शेयर की कैलकुलेशन। हमें क्वेश्चन में, हमें एग्जाम में क्वेश्चन में जो मिलेगी वो क्या है? क्वेश्चन में लिखा मिलेगा जैसे मिस्टर एक्स हैं उनके पास, या मिस्टर अजय हैं उनके पास में 50 शेयर्स थे, तो ये जो एक शेयर की कैलकुलेशन है ये 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहीं पे लिखा मिलेगा 200 शेयर्स थे, तो ये जो एक शेयर की कैलकुलेशन है ये 200 शेयर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारी सेम एंट्री आएगी। बिल्कुल, बस अमाउंट हमारी मल्टीप्लीकेशन में आती जाएगी। आइए जरा, तो हमने बात की थी पिछले क्लास में जब शेयर इशू हुआ हो पार पे और उसको फॉरफिट किया गया हो, तो क्या क्या केसेज भाई? इंस्टॉलमेंट में मांगा गया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। और हमने कहा था भाई कहां तक मौका दिया, कहां पर जाकर के फोरफिट किया, इसका मतलब वहां तक का तो उसको मौका दिया गया। तो जहां तक का मौका दिया गया वहां तक की बात कहलाएगी कॉल्ड अप। क्या कहलाएगी? कॉल्ड अप। अभी इशू एट पार पे है तो प्रीमियम की बात नहीं कर रही जी। जैसे ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, पहले वाले केस में हमने लास्ट कॉल तक मौका दिया, इसका मतलब क्या है? फोरफिट करने से पहले हमने उससे मांगे थे, कहां तक मांगे थे बेटे? लास्ट तक मांगे थे। लास्ट तक मतलब 2 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर 2 रुपए, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, यानी कि पूरे 10 रुपए मांगे थे। केस नंबर वन। केस नंबर वन। मैं दूसरे केस की बात करूं तो दूसरे केस में कहां पर फॉरफीचर किया गया? सर दूसरे वाले केस में भी हमें सबसे लास्ट में फॉरफीचर किया था, सबसे लास्ट में। प्लीज बेटे बिल्कुल कॉपी को साइड रख दो, आपकी कॉपी में सब चीज लिखी हुई है, बस आपका पूरा फोकस रिविजन करने पर होना चाहिए इस टाइम पे। शुरू के 10 मिनट हमेशा पुरानी बात रिवाइज करनी जरूरी है। तो बेटे केस नंबर टू में देखो, वहां पर भी सबसे लास्ट में जाकर के फोरफीचर हुआ, इसका मतलब वहां पर भी सेकंड वाले केस में भी कॉल्ड अप थे हमारे पूरे के पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप थे एक शेयर पर। तीसरे वाले केस में देखो बेटे, फोरफीचर कहां पे हुआ? जब फर्स्ट कॉल पर पैसे नहीं आए, यानी कि जैसे ही फर्स्ट कॉल पर एरियर्स हुए तुरंत शेयर फोरफीट कर लिए गए, इसका मतलब कॉल्ड अप कहां थे? कहां तक थे? फर्स्ट कॉल तक थे। मतलब मैं कह सकता हूँ एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए और फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, ये तीन स्टेज थी। 2 और 3 5 और 2 7, 7 रुपए कॉल्ड अप थे थर्ड केस में। बेटे केस नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें
तो केस नंबर फोर्थ में किस जगह पे फोरफीचर हुआ? सर यहां पर भी फर्स्ट कॉल पे फोरफीचर हुआ केस नंबर फोर में। इसका मतलब यहां पर भी कॉल लव कितने थे? 7 रुपए थे। केस नंबर फाइव, यहां पर भी बेटे कब फोरफीचर हुआ? यहां पर, यहां पर तो सर अलॉटमेंट पे हो गया। इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो स्टेज थे जहां तक के पैसे मांगे गए थे, ठीक है, यानी कि 2, 3, 5 रुपए। तो पहले तो बेटे कॉल लव की बात कर, अब इसमें से रिसीव कितना हो गया था? जैसे पहले वाला केस है, पहले वाले केस में चेक कीजिए फटाफट से, मैंने सबका माइक ऑफ कर रखा है, लेकिन सब बच्चे बोलेंगे मेरे साथ साथ बोलेंगे, अपने आप को आंसर देंगे, किसी और के लिए नहीं, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं तो अपने आप को आंसर देंगे। पहले वाले केस में कितने रुपए रिसीव हुए थे जी? सर एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दी, यानी सर 2, 3, 5 और 2, 7 रुपए उसने दे दिए। मतलब बेटे कंपनी को 7 रुपए मिल गए, तो कंपनी कितने फॉरफिट कर सकती है? जो उसे मिले, यानी कि शेयर फॉरफिचर में कितने आएंगे? 7 रुपए। नेक्स्ट, कितने रुपए उसको नहीं मिले? जो कोलसिंग एरियस अकाउंट अगर खुला है तो कोलसिंग एरियस अकाउंट में गए होंगे। कितने रुपए नहीं मिले जी केस नंबर वन में? सर लास्ट वाली कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। यानी कि 2 रुपए ऐसे हैं, सॉरी 3 रुपए ऐसे हैं, बहुत अच्छे भावेश, 3 रुपए ऐसे हैं जो नहीं मिले, वो है कोलसिंग एरियस अकाउंट अगर खुला है तो। एनीवेज, केस नंबर टू में बात करते हैं, मैं रुक गया जी, फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, आप फटाफट से खुद इसको एनालाइज करें टेबल को, रिसीव पार्ट और नॉट रिसीव पार्ट। आगे बढ़ने से पहले इसका रिवीजन जरूरी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फटाफट से रिवाइज करें एक बार खुद। और कोई मैसेज मत भेजना, ना ना कोई मैसेज मत भेजो, अपने आप को आंसर दो। आइए अब मैं करता हूं जी, सेकंड वाले केस में कितने रुपए रिसीव हुए? एप्लीकेशन पे राइट, अलॉटमेंट पे राइट, मतलब 2, 3, 5 रुपए मिल गए जी, यानी कंपनी को 5 रुपए मिल गए, यानी जी कंपनी ने शेयर फोरफीच कितने कर लिए? अमाउंट 5 रुपए कर लीजिए। कौन से अमाउंट है जो नहीं मिली, जो पॉलिसी एरियस अकाउंट में गई होगी? सर सेकंड वाले केस में फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए 2 रुपए, सॉरी फर्स्ट कॉल के बाद में सर सेकंड कॉल के भी पैसे नहीं आए 2 और 3, 5 रुपए, 5 रुपए वहां पर नहीं आए, यानी वो कोसी नेरेस में गए। नेक्स्ट, थर्ड वाले केस में बात करते हैं जी, थर्ड वाले केस में कोल्डअप का कितना पार्ट था जो रिसीव था? ध्रुव बेटा वीडियो ऑन रखो, हाँ। कितने रुपए हैं जो रिसीव हो गए? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है जो रिसीव हो गया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है जो रिसीव हो गया, यानी कि 5 रुपए रिसीव हो गए। बेटे मैसेज मत करो प्लीज, मेरा फिर ध्यान आपकी तरफ जाएगा, अप्रिशिएट करने के लिए। मैं बस ये चाहता हूँ हर बच्चा अपने आप को आंसर दे, पहले हम रिवीजन कर रहे हैं अपने लिए। तो 5 रुपए तो हमें रिसीव हो गए हैं शेयर फॉरफीचर में के, 5 रुपए। फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला तो भाई कॉल से नीरस में है 2 रुपए। सर सेकंड कॉल का क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटे सेकंड कॉल का मौका ही नहीं दिया है ना, जब कोल्ड अप में नहीं है तो वो एरियस में हो ही नहीं सकती। कोल्ड अप के ही 2 पार्ट होने हैं यहाँ पर, इसका मतलब शेयर फॉरफीचर और कॉल सीन एरियस का टोटल इक्वल टू इसके होगा कोल्ड अप, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं जी आगे, चलिए फिर है हमारा केस नंबर फोर। केस नंबर फोर में जी कितने हैं जी कोल्डअप? ये तो 2, 3, 5 और 2, 7, इसमें से कितने रुपए रिसीव हो गए? शुरू वाले 2, एप्लीकेशन भी और अलॉटमेंट भी, 2, 3, 5 रुपए रिसीव हो चुके हैं जी, यानी कि शेयर फॉरफीचर में, सॉरी 5 नहीं, कितने रुपए रिसीव हो चुके हैं थर्ड वाले केस में? हाँ 2, 3, 5 रुपए रिसीव हो चुके हैं थर्ड वाले केस में, और 2 रुपए कॉल से नहीं। फोर्थ में क्या है जी? सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुए जी 2 रुपए की, यानी कि 3 और 2, 5 रुपए कॉल से एरियर्स। फिफ्थ वाले केस में जी सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुई है जी, यानी 2 रुपए हमारे एप्लीकेशन के रिसीव हो गए शेयर फॉरफीचर में, और अलॉटमेंट पर 3 रुपए हैं जो नहीं आए जी, वो कहां गए? कॉल्स इन एरियर्स में। सेकंड वाला केस, फॉरफीचर ऑफ दो शेयर्स, उन वाले शेयर्स का फॉरफीचर जो इशू किए गए थे किस पर? प्रीमियम पर। जो इशू किए गए थे किस पर बेटा? प्रीमियम पर, उन वाले शेयर्स का फॉरफीचर। आइए जरा तो एक बार आप सब बच्चे खुद से इसको एनालाइज करेंगे, बस उस कहानी का ध्यान रखेंगे जो हमने कहानी बनाई थी टिकड़ी के ऊपर, तीनों बच्चों के ऊपर, शैतान बच्चों के ऊपर, सृष्टि, ओजस्विनी और महक के ऊपर हमने कहानी बनाई थी ना प्रीमियम वाली, हाँ। तो बस उस कहानी का ध्यान रखेंगे और फटाफट से अपने आप को आंसर देंगे, कोल्ड अप और रिसीव्ड, हाँ हाँ, और नहीं, और नॉट रिसीव्ड, हाँ, ब्लैक में फिल्म, बिल्कुल सही कह रहे हो। जल्दी जल्दी करो रिवाइज, फिर मैं कराऊंगा रिवाइज। अंटू कैमरा सही रखा करो ना,
फेस पे। सिर्फ दिखाते रहे तो मैं भी ऐसे करके पढ़ाऊं तुम्हें, कैसा लगेगा तुम्हें? शैतान सारदा घस रहा है, मजे ले रहा है, कह रहे हैं अंटू से मजे ले रहे हैं। हो गया, चलिए आ गया। अब मैं फटाफट से रिकॉल करता हूँ बेटे, ध्यान रखना। प्रीमियम को मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ट्रीट करो, कभी तुम सबसे जाके कहने लगो सर तो ना ये बोलते हैं प्रीमियम तो ब्लैक मनी होता है, इसको लेना पाप होता है, नालायक, कोई ऐसा मत बोलना। ये तो सिर्फ आपको समझाने का एक तरीका है। क्या प्रीमियम इज जस्ट लाइक नॉट श्योर बट जस्ट लाइक, क्या जस्ट लाइक ब्लैक मनी। अगर किसी के पास में ब्लैक मनी हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी तुम दिल पे ले लो, अगर किसी के पास में ब्लैक मनी हो बेटे, अगर वो पकड़ा गया तो क्या कहेगा? ना जी ना, ये पैसा मेरा नहीं है, है ना? तो वही वाला काम है यहाँ पर। अगर प्रीमियम रिसीव हो जाए तो बताया क्या होगा? सरेंडर कर देते, ना जी ना हमने नहीं मांगा था जी, है ना? और अगर रिसीव नहीं हो तो क्या कहेंगे? हाँ मांगा था, दिया था क्या तूने? दिया था ब्लैक मनी, बस वो वाला काम यहाँ पे करना है। तो प्रीमियम का अगर एक भी रुपया या एक भी पैसा रह जाएगा तो वो माना जाएगा कि पूरा रिसीव नहीं हुआ, और जब पूरा रिसीव नहीं होगा तो पूरा पूरा कैंसिल होगा। आइए जरा, तो पहले वाला यहाँ पे देखो केस, केस नंबर वन। पहले तो देखो एप्लीकेशन पे कितने, 2 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने, 3 रुपए, और प्लस 2 रुपए प्रीमियम के, है ना? और कैपिटल के नाम के कितने, 3 रुपए, है ना? फिर फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर कितने, 2 और 3 रुपए। तो ये 10 रुपए कैपिटल के हैं, वो अलग अलग सेट पर मांगेंगे, 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए। प्रीमियम मांगा गया था अलॉटमेंट पर, ध्यान रखना आज हमारे डिफरेंट केसेस होंगे प्रीमियम में। अभी मैंने कौन सा केस कराया है जहां पर सारा का सारा प्रीमियम एक ही स्टेज पर मांग लिया गया, वो भी आपकी फेवरेट जगह पर, जहां पर आप इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं अलॉटमेंट पर। धीरे धीरे वो चीजें मैं चेंज कराऊंगा, ठीक है? आइए जरा, तो आप देखिए बेटे जरा यहाँ पर, क्या यहाँ पर जो अमाउंट आई है वो प्रीमियम की रिसीव हो गई है क्या? आइए जरा, पहला केस क्या कहा मैंने, पहला केस। कैलाश बेटे आप शायद फर्स्ट टाइम आए हो तो अभी समझ में आना मुश्किल होगा, बस आप थोड़ा सा देखते रहिए यहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, बस दैट्स इट, ठीक है ना? तो कोई भी बच्चा जो भी नया आया है बेटा वो समझ में तो आएगा ना, क्योंकि चैप्टर बीच में से है, हाँ, लेकिन तरीका जरूर उनको समझ में आ जाएगा। एनीवेज बेटा, केस नंबर वन बताओ जी, केस नंबर वन में कौन कौन सी अमाउंट है जो रिसीव हो चुकी है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। हम लोग लास्ट क्लास का रिवाइज कर रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं, लास्ट क्लास में जो किया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। क्या सेकंड कॉल मिल गई है? नहीं जी। कौन कौन सी चीज मिली है? एप्लीकेशन मिल गई है 2 रुपए की, अलॉटमेंट मिल गया है, सारे बच्चे बताएंगे अलॉटमेंट मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है। मैंने माइक बंद कर रखा है आपका, अपने आप को जवाब देना, अलॉटमेंट मिल गया है? यस मिल गया है, राइट का निशान है सर, यानी कि अमाउंट मिल चुकी है। अच्छा, फर्स्ट कॉल मिल गई है? हाँ जी, ये भी मिल गई है। सेकंड कॉल? ना, सेकंड कॉल नहीं मिली है सर। तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ बेटे बताओ, कोल्ड अप मतलब मांगे कितने रुपए होंगे, कितने रुपए कहलाएंगे कि हमने कोल्ड अप किए हैं? हाँ जी, कितने रुपए कहलाएंगे कि कोल्ड अप है? बेटा मैसेज कर दो, जो भी बच्चा हैंड रेज कर रहा है। अच्छा कैलाश जी, एक मिनट रुकिए, ये अच्छा फर्स्ट टाइम है, एक मिनट बात कर लेता हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैलाश तुम्हारा हैंड रेज है। चलिए कोई नहीं, मैंने माइक म्यूट कर रखा बेटा, आप मैसेज कर देना क्योंकि आपने रिप्लाई तो दिया नहीं। आइए जरा, मैं ये कह रहा हूँ बेटे, अगर शेयर हमने प्रीमियम पे इशू कर रखा है तो प्रीमियम को हम भूल जाएंगे, ना तो मांगा और ना ही रिसीव हुआ, है ना? यही तो होगा ना। अब जरा यहाँ पर देखो जरा फटाफट से, क्या सर बताओ सर? बेटे यहाँ पर ये देखो क्या, कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में से हमारी कैपिटल के नाम की अमाउंट कितने रुपए कोल्ड अप है, कितने रुपए कोल्ड अप है कैपिटल के नाम के। मैं ये कह सकता हूं बेटे यहां पर कैपिटल के नाम के 10 रुपए कोल्ड अप है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पर हमने 10 रुपए ओवरऑल कैपिटल के नाम के मांगे हैं, ठीक है जी? ठीक है, तो 10 रुपए हमारे कोल्ड अप में शेयर कैपिटल के नाम के आ गए। ध्यान से सुनना बेटे, अब ये बताओ बेटे क्या हमने प्रीमियम मांगा था यहाँ पर? कौन बच्चा बताएगा जी? अब मैं माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं जी, 1 2 3 बोलो बेटा, क्या
क्या यहां पर प्रीमियम मांगा गया था? सारे बच्चे आंसर देंगे, बोलो बोलो, अब सच्ची मुच्ची मेरे को आंसर देना है अपने आप को। नहीं नहीं सर, नहीं मांगा था। नहीं मांगा था? नहीं सर, नहीं मांगा था। नहीं मांगा था, क्यों? बताते थोड़ी है, मिल गया तो। वेरी गुड, ये हुई ना बात, शाबाश भाई। बताते थोड़ा ना है जब मिल गया तो, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड बेटा, यही आंसर चाहिए था मुझे भाई। जब प्रीमियम रिसीव हो जाए तो भूल जाते हैं कि उसको मांगा भी था, और जब मांगा ही नहीं था तो कहीं रिसीव में काउंट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इसका मतलब वो कॉल्ड अप में भी नहीं आएगा। अब बात होगी रिसीव की, तो रिसीव में हमें कौन कौन सा पैसा मिल गया सर? हमें मिल गया सर एप्लीकेशन वाला अमाउंट, ठीक है जी। हमें मिल गया जी अलॉटमेंट वाला। लेकिन रिसीव में ध्यान रखना आपको, क्या रिसीव में आप इस तरह से बात करोगे जैसे प्रीमियम नाम की चीज वहां पर थी ही नहीं, जैसे प्रीमियम नाम की चीज वहां पर थी ही नहीं। भले ही प्रीमियम रिसीव हो गया हो, लेकिन हम फिर उसको काउंट ही नहीं करेंगे, ये सोच के चलेंगे कि प्रीमियम तो था ही नहीं जैसे। तो सिर्फ बात किसकी होगी? कैपिटल की बात होगी। 2 और 3 5 रुपए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए भी हमें रिसीव हो गए जी, ठीक है बेटा। 2 और 3 5 और 2 7 रुपए। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर 7 रुपए का अमाउंट रिसीव में आएगा। अच्छा, कौन सा अमाउंट है जो रिसीव नहीं हुआ? कॉल सी नीरेस्ट कहलाएगा कि जो फाइनल कॉल वाला है, सेकंड कॉल वाला, ये वाला पैसा हमें नहीं मिला, तो ये हमारा कॉल सी एरियर्स है जी। चलिए जी, तो आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिप्लाई आपका आया कि सर भूल जाएंगे हम उसे, क्यों मांगा भी था। सेकंड केस में फटाफट से आंसर देंगे सभी सब बच्चे सारे केस का। तो सबसे पहले हम सारे केस में क्या करेंगे? कोल्ड अप की बात करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे क्या करेंगे? फटाफट से कोल्ड अप की बात करेंगे। सेकंड वाले केस में कितने रुपए कोल्ड अप है? सर हमने ना लास्ट में जाके फोरफीचर किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सर लास्ट तक मौका दिया। इसका मतलब बेटे कैपिटल के नाम के कितने रुपए हुए? सर पूरे 10 रुपए हुए सर कैपिटल के नाम के। ओ ओके, आप इसकी बात बता रहे हो कि कैपिटल के नाम के कोल्ड अप है 10 रुपए। अगली बात क्या? फर्स्ट आप रिसीव पार्ट देखेंगे क्या, सॉरी प्रीमियम वाला पार्ट देखेंगे क्या? हमने यहां पर सेकंड वाले केस में प्रीमियम मांगा था क्या? हमने सेकंड वाले केस में प्रीमियम मांगा था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मांगा था, क्योंकि रिसीव हो गया है इसलिए हम उसको भूल जाएंगे। शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो यानी कि यहां पर भी प्रीमियम की बात नहीं होगी, वेरी गुड। अब इसमें से रिसीव्ड पार्ट कितना है जी? कितना पार्ट हम कहेंगे मिल गया? सर प्रीमियम की बात तो हम जब मांगने में ही नहीं काउंट करेंगे तो रिसीव में तो काउंट करने से रहे। यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर जो कैपिटल वाला पैसा रिसीव हो गया, हम सिर्फ उसी को मांगे, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो चीजें आए। इसका मतलब क्या है? कॉल सी नियरेस्ट में कितना आएगा? 2 और 3 5 रुपए कॉल सी नियरेस्ट में भी आएंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? थर्ड वाले केस की। तो थर्ड वाले केस में बेटे कोल्ड अप पे ध्यान देंगे, पूरा पूरा ध्यान सबसे ज्यादा कोल्ड अप पे होना चाहिए, क्योंकि गलती अगर बच्चे से होती है तो कोल्ड अप में होती है। आइए जरा, क्या हमने यहाँ पर कैपिटल के नाम के कितने रुपए मांगे? 2 और 3 5 और 2 7 रुपए हमने मांगे। क्या हमने सेकंड कॉल नहीं मांगी? नहीं सर, उससे पहले पहले हमने फोरफीचर कर दिया, यानी उसको मौका ही नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? 7 रुपए हमने यहाँ पर मांगे हैं। चलिए जी, अब इसमें से रिसीव कितने होंगे? रिसीव कितने माने जाएंगे? क्या हम मानेंगे कि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब रिसीव हो जाता है तो कोल्ड अप में काउंट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर प्रीमियम की अमाउंट कोई भी कोल्ड अप में नहीं आएगी। अब बात करते हैं रिसीव कितना हुआ, जितना पार्ट शेयर फॉरफीचर में जाएगा। तो भाई एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर जो अमाउंट कैपिटल वाली होगी 2 और 3 5 रुपए, बस वो है जो जाएगी कहां पर? शेयर फॉरफीचर में। और जो नहीं मिली वो है फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल, वो जाएगी कॉल सेम एडर्स में। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटे किसकी? केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 में चेक कीजिए फटाफट से, क्या सर केस नंबर 4 में हमारा कोल्ड अप कितना आएगा? सर कैपिटल के नाम का, कैपिटल के नाम का कौन बताएगा? वेरी गुड सर, 7। शाबाश बेटा, 2 और 3 5 और 2 7 रुपए इस तरह से आएंगे। प्रीमियम को काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि प्रीमियम हमारा, बताओ ये दो कैपिटल का ना। अच्छा अब प्रीमियम की बात बताओ, केस नंबर 4 में प्रीमियम कोल्ड अप में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा, आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि वो रिसीव मिला नहीं है। नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, क्योंकि वो हमें मिला है नहीं, इसलिए कहां पर ये हमारा काउंट होगा एरियर्स में, ये हो गया जी, इधर कॉल्ड अप में काउंट होगा। अब कितने रुपए हमें मिल गए हैं जी? सर हमें ना केस नंबर 4 में सिर्फ एप्लीकेशन की अमाउंट मिली थी सर, दो रुपए। तो ये हमारा आ गया कहां पर, शेयर फॉरफीचर में। ये हमारा आ गया बेटा कहां पर बाबू, शेयर फॉरफीचर। आर्यन बेटा वीडियो ऑन करो। अच्छा अब बात करते हैं कितने रुपए ऐसे हैं जो कोर्स इन एरियर्स में आएंगे केस नंबर 4 में। बताओ बेटे सारे बच्चे। 5 रुपए। 5 रुपए। आइए जी मैं बात करता हूँ बेटा, 7 रुपीज आएंगे। कैसे? देखो 2 और 3 5 ये तो है ही कैपिटल के, तो ये तो आए नहीं ना केस नंबर 4 में बेटा, इसका मतलब अलॉटमेंट भी तो नहीं आया ना, क्योंकि हमने इसको कोल्ड अप में हिस्सा बनाया है, तो कोल्ड अप के 2 पार्ट भाई। अगर हमने इसको इस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा, मांगा है दिया थोड़ा ही ना है, तो जब हमने इसको काउंट कर लिया कोल्ड अप के अंदर, तो कोल्ड अप की अमाउंट के बराबर पूरी बात होनी है, उसका क्या क्या हुआ, या तो रिसीव हुआ होगा मांगने के बाद, या रिसीव नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोल्ड अप का हिस्सा बना है, तो या तो रिसीव या नोट रिसीव का हिस्सा बनेगा। आइए जरा, तो यानी कि ये हमारा पार्ट कहाँ पे आएगा बाबू, एरियर्स में आएगा। तो कोर्स इन एरियर्स में कौन कौन से अमाउंट आएंगे जी? ये 2, 3, 5 और 2 7 रुपए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 5। रिवाइज करना जरूरी है जी, ये कॉन्टिन्यूअस रिवाइज करना जरूरी है, अदरवाइज चीजें लाइट हो जाएंगी बहुत ज्यादा। एनीवेज केस नंबर 5 बेटा, यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की स्टेज तक ही बात हुई थी, मुझे बताओ जी कॉल्ड अप में शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट आएगा? सर 5। वेरी गुड। अब बताइए प्रीमियम कॉल्ड अप में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। आएगा आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि रिसीव नहीं हुआ जी। नहीं हुआ। ओके वेरी गुड, तो यानी कि कॉल्ड अप में हमारा 5 और 2 7 रुपीज हमारे यहाँ पर आगे केस नंबर 5 में। अब इसके 2 पार्ट बेटे, रिसीव पार्ट और नोट रिसीव पार्ट। बताइए रिसीव पार्ट में क्या आएगा? 2 रुपए। एप्लीकेशन वाले 2 रुपए। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड हृदय, वेरी गुड बेटा। बाकी जो बच्चे जवाब दे रहे हैं और जो नलायक अभी जवाब नहीं दे रहे उनको इधर आओ बेटे। रिसीव पार्ट हो गया, जो नोट रिसीव पार्ट है कोर्स इन एरियर्स पार्ट, वो कितना है? 5 रुपीज। ये ना 3 प्लस 2। वेरी गुड, 2 5। ठीक है जी, आइए जरा, तो ये तो बात रही हमारी पिछली क्लास तक के रिवीजन की। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या होगा अगर यही प्रीमियम हमारा 2 स्टेज पर मांगा जाता और 1 स्टेज का प्रीमियम पे हो जाता और दूसरी स्टेज का प्रीमियम पे नहीं होता, कभी सोचा है इस बारे में? आइए जरा बात करते हैं फटाफट से, सेम इसी तरह का 5 केसेस का हमें फिर से सेम एग्जांपल हमें नोट करना है, हेडिंग डालना सेम वे। अच्छा ये वर लिख रहा था क्या, किसी ने बताया भी नहीं है, वावा वावा मजे ले रहे हो तुम लोग, लिखो वेयर है ना, तो नेक्स्ट पेज पे लिखो फिर से यही हेडिंग। लिखो वेयर ओरिजिनल शेयर्स, ओरिजिनली शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम। बेटा अब वो बच्चे बाहर जाने वाले हैं जिन जिन बच्चों ने वीडियो नहीं ऑन कर रखी है ना, और एडवांस में सॉरी। आइए जरा, जब शेयर्स ओरिजिनली इशू किए गए थे किस पे, प्रीमियम पे। आइए जरा फटाफट से एक टेबल बनाते हैं, और ये हमारा एग्जांपल नंबर कौन सा होगा जी, कोई एग्जांपल नंबर दिया है ना? चलिए फेस वैल्यू तो हमारी वही रहेगी जी, 10 रुपए, और बेटे इशू प्राइस हमारा रहेगा 12 रुपए, और विश्वास मानिए ये एग्जांपल आपको बुक में नहीं मिलेंगे किसी भी, लेकिन शर्त लगा रहा हूं आपने अगर ये वाला एग्जांपल कर लिया
और समझ लिया तबीयत से, तो आपकी कभी गलती नहीं हो सकती इस वाले कॉन्सेप्ट में। केसेस वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव, और इससे ज्यादा केस भी नहीं मिल सकते आपको, ये भी शर्त है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल दो तीन दो तीन। बेटे 12 रुपए का प्रीमियम है, क्या कहा मैंने 12 रुपए का प्रीमियम है। ये कौन कौन बाहर जा रहा है देखो तो जरा, कौन कौन बाहर जाने वाला है देखो तो जरा, वन टू और ये शुरू हो गए बच्चे बाहर जाना, थ्री। क्या कह रहे हो यादव जी को भी बाहर भेज दो, उनकी वीडियो ऑन नहीं है। अच्छा लो अभी करता हूँ, आ जाओ जरा। तो सुनो बच्चों, बेटा ये प्रीमियम मान लिया 2 रुपए का जो प्रीमियम है, जो फेस वैल्यू से ऊपर है वो क्या बेटा 2 रुपए का प्रीमियम है, और वो मान लिया हमने अलग अलग स्टेज पे मांगा गया। लो बेटे हर जगह पर 50-50 पैसे मंगवा देते हैं 0.50, इससे ज्यादा तो नहीं कॉम्प्लिकेशन आ सकती किसी क्वेश्चन में। लो जी 0.50 प्लस पॉइंट में भी आए, हाँ मेरे बच्चे आ सकता है बाबू, आए हुए हैं एग्जाम में आए हुए हैं बेटा 0.50। ठीक है गुड़िया, अब देखना जरा। तो 50-50 पैसे चारों स्टेज पर प्रीमियम मांगा गया है जी, और जब ये प्रीमियम मांगा गया है तो अलग अलग केसेस हैं बेटे। पहला केस एप्लीकेशन पे पैसे आ गए, अलॉटमेंट पे आ गए, फर्स्ट कॉल पे आ गए, नहीं आए जी सेकंड कॉल पर, और यहां पर इसको बोला रुक जा, यानी शेयर फोरफिट कहां पे हुआ फाइनल कॉल के बाद में, वही वाले केस बनाने हैं आपको। ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आया, फिर भी इसको मौका दिया गया और तब नहीं आया, बस रुक जा, मतलब शेयर फॉरफीचर। केस नंबर 3, एप्लीकेशन आ गई, अलॉटमेंट आ गया, फर्स्ट कॉल नहीं आई और तुरंत इसको रोक लिया गया, रुक जा यानी शेयर फॉरफीचर। केस नंबर 4, एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी नहीं आया, फर्स्ट कॉल भी नहीं आई और उसके बाद में क्या रुक जा शेयर फॉर फ्यूचर। क्या कह रहे हो सर, पहले हमें करने का मौका देना, हम भी ट्राई करेंगे। ठीक है, फिफ्थ वाला, एप्लीकेशन आ गई, अलॉटमेंट नहीं आया और इसको यहीं पे ही पकड़ लिया, रुक जा एक शैतान बच्चा, सर अगला केस भी करके दिखाओ क्या कि एप्लीकेशन ही नहीं आई। नहीं बेटे वो केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी शेयर होल्डर अंदर नहीं होगा, जब शेयर होल्डर नहीं होगा तो फोरफीचर का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ जी, कौन बच्चा सबसे पहले ये काम करके दिखाएगा मेरे को। मैंने सबके माइक बंद कर दी, कोल्ड अप के 2 पार्ट। एक है बेटा शेयर कैपिटल और दूसरा पार्ट है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए किस किस स्टेज पर मांगे
वो आप देखो बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा अमाउंट, मतलब जो मिल गए, और कितने रुपए आएंगे जो कोसिन एरियस में आएंगे। वेट कर रहा हूं। आइए बेटा, जब ऐसी सिचुएशन हो तो बेटे हर प्रीमियम को एक सेपरेट प्रीमियम की तरह से ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? एकदम सेपरेट प्रीमियम की तरह से। किसी भी प्रीमियम का दूसरे प्रीमियम से लेना देना नहीं है। यानी कि एक प्रीमियम अगर रिसीव हो गया तो हम उसको भूल जाएंगे, चाहे दूसरा प्रीमियम रिसीव हो या ना हो। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि चारों प्रीमियम को इकट्ठे एक नजरों से देखेंगे, चारों प्रीमियम को अलग अलग क्वेश्चन की तरह से ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? बिल्कुल जैसे चारों प्रीमियम का अलग अलग क्वेश्चन। तो सबसे पहले मुझे आंसर देंगे बच्चे, क्या कैपिटल के नाम का, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं जी, कैपिटल के नाम का कितने रुपए कोल्ड अप है? कैपिटल के नाम का अमाउंट पहले वाले केस में 10 रुपीज। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। इसमें प्रीमियम के नाम का कितने रुपए कोल्ड अप है या नहीं है, मुझे ये बताइए। 0.50 राधा बताएगी, राधा बता। 0.5 आया सर, उसे मिल तो गया पर उसे भूलना भी तो है। मुझे यहाँ पे फिगर बताओ, मैं फिगर क्या लिखूं, बस ये बताओ। सेकंड को सर डैश लगा दो। यस सर, डैश है। स्वयं, आर्यन, महक, आपका आंसर सही है। सेकंड कॉल का होगा। आइए, जिन बच्चों ने आंसर दिया था कि सर यहाँ पर 0.5 लिख दीजिए, उनका आंसर बिल्कुल सही है। सुन लो ध्यान से बेटे, बताओ कौन कौन सा प्रीमियम हमें मिल गया। सर हमें ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम मिल गया, तो बेटे इसको ऐसे भूल जाओ जैसे था ही नहीं, क्योंकि वो मिल चुका है, उसको ना कोल्ड अप में आना है और ना ही रिसीव में आना है। हर प्रीमियम अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रीमियम की तरह से डील होगा, जैसे वो एक सेपरेट प्रीमियम हो। अब 50 पैसे, वेरी गुड हृदय, 50 पैसे ऐसे हैं जो सेकंड एंड फाइनल कॉल के हैं, जो प्रीमियम हमें नहीं मिला, जो नहीं मिला सिर्फ उसको पकड़े रखेंगे कोल्ड अप में भी और कोसिन एरियस में भी। पहली बात समझ में आई सब बच्चों को? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कैपिटल के नाम के कितने रुपए कोल्ड अप है पहले वाले केस में? 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के, 2 रुपए और 3 रुपए सेकेंड कॉल के, क्योंकि हमने उसको लास्ट तक मौका दिया। अब प्रीमियम के नाम की अगर मैं बात करूं तो जो प्रीमियम हमें मिल चुका है उसको तो हम जाएंगे बिल्कुल भूल, जैसे कि वो वहां पे था ही नहीं, ना कोल्ड अप में आएगा ना रिसीव में आएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे जो हमें रिसीव नहीं हुए वो वाले चीज कोल्ड अप में काउंट होंगी प्रीमियम के। चलिए जी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कोल्ड अप में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मतलब हमने यहाँ पर लिख लिया। अगली बात, अब बेटा रिसीव्ड पार्ट करते हैं। रिसीव्ड पार्ट, कितने रुपए ऐसे हैं जो हमें रिसीव हो चुके हैं शेयर फॉर फीचर? वेरी गुड, आइए काउंट करते हैं। अच्छा जी, आइए
बच्चों ने बताया 7 रुपए। आइए, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार मैं जरा उस आंसर को क्लैरिफाई कर दूं। कैसे भाई? भाई एक तो है क्या, 2 रुपए ये वाले मिल गए, हाँ जी। क्या मैं प्रीमियम के काउंट करूंगा? ना जी। 2-3 रुपए अलॉटमेंट वाले मिल गए, हाँ जी। क्या मैं प्रीमियम काउंट करूंगा? ना जी, क्योंकि जब होल्डअप नहीं काउंट हो रहा। फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मिल गए कैपिटल वाले, हाँ जी। क्या मैं प्रीमियम काउंट करूंगा? ना जी। ठीक है, क्या फाइनल कॉल के मिले? नहीं। तो कितने रुपए मिल गए? 2, 3, 5 और 2, 7 रुपए। क्या प्रीमियम काउंट होगा रिसीव में? आंसर इज नो। जो होल्डअप में ही काउंट नहीं हो रहा तो रिसीव में काउंट कैसे हो सकता है? आइए जी आगे बढ़ गए जी, नेक्स्ट। अब बात करते हैं किसकी बेटा, हम बात करते हैं कॉल्स इन एरियर्स की। कितने रुपए हैं जो हमें नहीं मिले, अलोंग विद क्लियर क्लियर क्लैरिफिकेशन हमें देखना है। कितने रुपए जो रिसीव नहीं हुए? 3। जिन बच्चों ने 3 आंसर दिया है उनका आंसर गलत है, सुनिए ध्यान से। 3 रुपए तो कैपिटल के नहीं मिले और 50 पैसे हमें प्रीमियम के नहीं मिले, क्योंकि प्रीमियम हमारा कोल्ड अप में आया है, इसलिए अब वो कॉल से एरियस में भी आएगा। ठीक है बेटा, आइए जी। मुझे पता है कि बच्चे इसको दोबारा पूछना चाहेंगे। बेटे जो हमारा अमाउंट नहीं मिला वो सारा का सारा कॉल से एरियस, कैपिटल के नाम का भी प्रीमियम के नाम का भी। आइए जी, मतलब मैं कह सकता हूं 3.5 रुपए हमारे कॉल से एरियस में होंगे। अब मुझे पहले सब बच्चों का थम्सअप चाहिए। अगर सब बच्चों को बात समझ में आ गई है, जिसके मतलब, और थम्सअप देने के बाद रोकेंगे स्क्रीन पे ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई उसका आंसर सही है। जिसका थम्सअप नहीं है मैं उससे पूछूंगा समझ में आया कि नहीं। ओजस्विनी, रितिका, कृतिका, हृदय, अच्छा सृष्टि, राधा, ध्रुव, हटाओ मत ना, अच्छा ठीक है, यानी सब बच्चों को समझ में। कैलाश, तुम्हारा तो बेटा आज पहला दिन है तो मुश्किल है आपसे एक्सपेक्ट करना। चलिए एनीवेज, आइए जरा, चलिए जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आया, जिनकी क्लास पहले हो चुकी है। आइए जरा, अब मैं बात करता हूँ सेकंड वाले केस की। सेकंड वाले केस में कैपिटल के नाम के कितने रुपए? अब बिल्कुल माइक बंद, कोई नहीं, बिल्कुल भी ना, ना ना। अब मैं आपको मौका देता हूँ, पहले आप लोग खुद पूरा करेंगे इस टेबल को लास्ट तक। मैं रुक गया, मुझे बताया आप कर सकते हो, तो मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग कीजिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे केस करने हो गया पूरा। वेरी गुड, शाबाश महक, वेरी गुड ध्रुव, करो बेटा पूरे करो। बाबू ओजस्विनी, बेटा पूरा करो पहले एक बार, है ना, चारों केस पूरे करके तब बोलना सारे केस कर लिए, जैसे महक ने कर लिए। जो जो करता रहे स्क्रीन पे थम्सअप देता रहे ताकि पता चले कि उन बच्चों का हो गया, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। चार बच्चों ने कर लिया जी, पांच बच्चों ने कर लिया जी, 6, 7, हटाना मत, काउंटिंग तभी तो चलेगी। चलिए जी आइए, बहुत अच्छे, तो लीजिए मेरे साथ साथ कीजिएगा। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, आप लोग मुझे साथ साथ में रिप्लाई देंगे। ध्यान रखना, अगर इस चैप्टर में सबसे लास्ट स्टेज कोई एडवांस कॉन्सेप्ट की है तो वो ये है जो आप लोग अब कर रहे हो उस टाइम पे, यानी ये कर लिया तो इसके बाद में तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट एडवांस नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए जरा मेरे साथ साथ कीजिए। बेटे कैपिटल के नाम के कितने रुपए कोल्ड अप है, ये तो मुश्किल है, मैं बता देता हूँ। अब आसान तुम बताओ, प्रीमियम मांगा था क्या, कितने रुपए मांगा? 0.50। बेटा आओ चेक करते हैं, बेटे क्या हमारे को इस वाली स्टेज पर, इन दोनों स्टेज पर पैसा मिला? नहीं। तो यानी कि दोनों स्टेज का जो प्रीमियम है, यानी कि 1 रुपीज विल बी कोल्ड अप, है ना। तो जिन बच्चों की गलती है 0.5 की, आप ध्यान दें 0.5 दो अलग अलग स्टेज का है जो हमारे लिए कोल्ड अप में बनेगा पार्ट। जो मिला नहीं उसी को हम बोलेंगे कि वो हमारा कोल्ड अप है, 1.00 सिक्योरिटी प्रीमियम का। आइए बेटे अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं शेयर फोरफीचर की। कौन सी अमाउंट है जो हमें मिल गई? मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। कितने रुपए मिले? 5।
सिक्स रुपीज नहीं मिले पक्का? चलिए बहुत बढ़िया बात, क्योंकि जो प्रीमियम मिल गया उसको तो हम जाएंगे भूल जैसे कि वो था ही नहीं, यानी कि 5 रुपीज हमें मिले किस चीज के, कैपिटल वन। ओके वेरी वेरी गुड। तो ये हो गया जी हमारा, क्या ये हमारा हो गया 5 रुपीज का हिसाब किताब शेयर फॉरफीचर में, जो पैसे मिले वो हमने बात कर ली शेयर फॉरफीचर में, ठीक है। प्रीमियम मिला था लेकिन उसको तो हम भूल ही गए थे, वो हमने कॉल्डअप में भी काउंट नहीं किया, तो रिसीव में तो काउंट करने का मतलब ही नहीं होता। आइए जरा कितने रुपए ऐसे हैं जो कोलसिन एरियर्स में है? वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब विशाखा ने दिया। एक एक चीज खोल के बता दी कि 5 + 1, हालांकि सब बच्चों ने 6 रुपीज आंसर दिया, सबका आंसर सही है, मैं एक वैसे जनरल बात बता रहा हूँ, 5 + 1 सर, वेरी गुड, यानी कि वो कॉन्सेप्ट पर क्लियरिटी पता चलती है जवाब में बच्चे के, कि हाँ जी एक तो जी 5 रुपीज ये वाले और +1 रुपीज ये वाला, ये दोनों हैं जो नहीं मिले। वेरी गुड बेटा, दोनों सब बच्चों को वेरी वेरी गुड, 6 रुपीज हैं जो हमारे को नहीं मिले। आइए जरा अब हम चलते हैं अगली स्टेज पर, केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 में बेटे फटाफट आंसर देना, कैपिटल के नाम के कितने रुपए कोल्ड अप है? 7 रुपीज। कैसे कैसे? आइए ये वाले कैपिटल के नाम बेटा, प्रीमियम के नाम के कोल्ड अप है क्या? और है तो कितने? 0.5। एक बच्चे ने 1.5 आंसर दिया है बेटे, गलत है। वन आएगा। दूसरे बच्चे ने 2.5 आंसर दिया, गलत है बेटे। प्रीमियम के नाम का मैं पूछ रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने आंसर सही से ना सुना, क्वेश्चन ढंग से सुनाओ। कितने रुपए हैं जो प्रीमियम के नाम के मांगे? 0.5। आइए बेटा सिर्फ ये वाले काउंट होंगे, ये वाले तो रिसीव हो चुके हैं तो भूल जाएंगे, है ना, और आगे का मौका नहीं दिया, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल वाले हैं जो सिक्योर्ड पीएम के लिए कोल्ड अप में पार्ट बनेंगे। 0.50, मैंने कहा ना अगर सबसे एडवांस कोई कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में तो वो ये है, और ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक, किसी भी राइटर की बुक में कहीं पे नहीं मिलने वाला, शर्त लगा रहा हूं, बस एक जगह मिलेगा वो भी 2 स्टेज पर प्रीमियम। आइए जरा नेक्स्ट बेटे, कितने रुपए हैं जो रिसीव में काउंट होंगे? 5। वेरी गुड। आइए जरा एक बच्चे ने बताया कि सर 5 रुपीज हैं जो काउंट होंगे, आइए जरा काउंटिंग करें, कौन कौन सी अमाउंट है जी? ये वाले 2 और 3 5 रुपए, ये वाले सिर्फ, ये क्या प्रीमियम काउंट होगा? सर जब रिसीव हो जाता है तो हम भूल ही जाते हैं, जब कोल्ड अप में नहीं काउंट किया तो रिसीव में काउंट करने का मतलब होता ही नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, 2 और 3 5 रुपए हमारे ये वाले हैं। कितने रुपए हैं जो कोलसिन एरियर्स में है? ये है हमारे कौन से? 2.5। वेरी गुड, एक मिनट ये बंद करके दोबारा खोलना पड़ता है ना, बीच बीच में कभी लाइट भागती है। लो जी ये तो हो गए हमारे 5 रुपीज। अच्छा 2.5 रुपीज कौन कौन से हो गए जी? ये वाले 2 रुपए कैपिटल के और 50 पैसे प्रीमियम के, बिल्कुल सही, 2.50 हमारे कोलसिन एरियर्स में। वेरी गुड, अब अगली बात करते हैं केस नंबर 4 बेटा, कैपिटल के नाम के कितने रुपए हैं कोल्ड अप में? 7 रुपीज, क्योंकि हमने यहां तक मौका दिया, 2 और 3 5 और 2 7, इस तरह से टोटल 7 रुपए हैं जो हमारे कोल्ड अप में हैं कैपिटल के नाम के। बेटा प्रीमियम के नाम के कितने रुपए हैं जो कोल्ड अप में हैं? 1 रुपीज। आइए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, चैट में भी बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, वेरी गुड बेटे। 0.5 0.5 ये वाला या कौन से वाला, कहां से हुआ? यहां से, ये दोनों, क्योंकि जो मिल गया था उसको तो हम भूल जाएंगे, जो नहीं मिला उसी को हम कोल्ड अप का हिस्सा बनाएंगे, जो मिल गया था उसको तो हम भूल जाएंगे, जो नहीं मिला उसी को हम कोल्ड अप का हिस्सा बनाएंगे। वेरी गुड रितु, बहुत अच्छा आंसर, शाबाश बेटा, और बाकी बच्चों को भी बहुत बहुत एप्रिसिएशन, बहुत अच्छा आंसर 1 रुपीज। आइए जरा कितने रुपए हैं जो हमारा शेयर फोर फीचर का पार्ट बनेंगे, रिसीव्ड पार्ट इसको हम कहेंगे? 2 रुपीज। कितने रुपए? 2 रुपए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर, रितु का भी, ओजस्वी ने, बाकी बच्चों का भी जो ओरली बता रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की अमाउंट है जो हम रिसीव मानेंगे। एप्लीकेशन पर जो प्रीमियम रिसीव हुआ उसको तो हम भूल जाएंगे, शुरू से ही भूल चुके हैं, ना कोल्ड अप में, ना रिसीव में, ना, है ना। तो एप्लीकेशन रिसीव हुई बस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे टिक हो रखा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए हैं जो रिसीव हुए। लो बेटा जी, वेरी गुड। और कितने रुपए हैं जो पॉलिसिंग एरियस में? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 5 नहीं बेटा, एक बार दोबारा चेक करो, 6। आइए वो कैसे, आइए जरा चेक करते हैं। यहाँ पर ये दोनों पैसे तो आए नहीं थे, ये दोनों अमाउंट तो आई नहीं थी ना कैपिटल की अलॉटमेंट पर, ना ही फर्स्ट फ्लोर पर। प्रीमियम आया था क्या, देखते हैं, नहीं आया था, तो यानी कि ये हमारा होल्डअप में भी हिस्सा बनेगा और पॉलिसी एरियस में। 3 और 2 5 और 1 6, इस तरह से बेटे 6 रुपए हमारे पॉलिसी एरियस का पार्ट बनेंगे। आइए बेटा केस नंबर 5 पर चलते हैं। देख रहे हो कितना संजीदे संजीदे जाते हैं कॉन्सेप्ट। मोतियों की माला होती है ना, एक एक मोती को पिरोना होता है, ऐसे हमें अपने एक एक दिन को पिरोना है, ठीक है ना। कोई शॉर्टकट नहीं होता, किसी भी तरह से ध्यान रखना, एक एक चीज पे बारीकी से मेहनत करनी है, तभी हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जरा आना केस नंबर 5 में बात करना, जरा केस नंबर 5, कितने रुपए कैपिटल के नाम की कोल्ड अप है? 5 रुपीज, बहुत बढ़िया। कैसे, आइए जरा चेक करें, 2 और 3 5 रुपए, क्योंकि प्रीमियम और यहाँ यहीं तक मौका दिया ना हमने, ठीक है। अब बात करो बेटे प्रीमियम के नाम के कितने रुपए कोल्ड अप हैं? 0.5। जो मिल गया उसे तो जाएंगे भूल, और जो नहीं मिला उसे रखेंगे याद, यानी कि ये हमारा कोल्ड अप का पार्ट बनेगा। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। तो बेटा ये है हमारा 0.50। अब इसके अंदर बेटे हमें जो रिसीव हुआ वो कितना पार्ट है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सब बच्चों आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन दे दिया था जी, और एप्लीकेशन पे जो प्रीमियम आया उसको तो भूल जाएंगे, हाँ जी, इसलिए ये याद रहेगा बस खाली। तो 2 रुपए हमारे यहाँ पर। कितने रुपए ऐसे हैं जो कि कोल्सिन एरियर्स है? वेरी गुड, 3.5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर इज इक्वल टू लिख दिया है प्लस के बजाय। हाँ आओ जरा बेटे कितने रुपए बाबू? लो बेटा ये वाले अलॉटमेंट पर 3 रुपए कैपिटल नहीं आए और प्रीमियम के 50 पैसे नहीं आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3.5। लो जी, तो ठीक है, यहाँ तक बच्चों की एकदम, अब तो प्रैक्टिस एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई सब बच्चों की। बेटे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आए, जैसे मिस्टर ए उनके पास 400 शेयर्स थे, उनका कोई भी एक केस होगा, केस नंबर 1 से लेके 5, ये शर्त लगा रहा हूँ, इनसे ज्यादा केस कभी आ ही नहीं सकते। आप तो ये भी केस देख लेना कहीं किसी बुक में, तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा कि अगर ये बात हो गई, एक बुक में ये केस हो ही नहीं सकती कभी। एनीवेज, तो ज्यादा से ज्यादा आए तो बेटे ये वाले केस आएंगे, बस वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर ए के पास कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें क्वेश्चन में। आइए जी, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे चैप्टर में क्या क्या चीज है बेटे। इशू हमने किया, फॉरफीचर हमारा कंप्लीट हो गया जी, एक लास्ट केस बचा हुआ है हमारा जिसे कहते हैं री इशू। क्या बोलते हैं बेटा? री इशू। आइए जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग डालिए फटाफट से। क्या हेडिंग डालें सर? रीइशू ऑफ शेयर्स। बेटा रीइशू ऑफ शेयर्स। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अच्छा फॉरफीचर की एंट्री तो हमने पढ़ ली थी ना, एंट्री पढ़ी हमने फॉरफीचर की? नहीं पढ़ी पहले। अरे पहले ना एक काम करो, इसकी जन एंट्री लिखो फॉरफीचर की, पहले इसकी जन एंट्री लिखो, उसी के बाद तो रीइशू का टाइम होगा। जनरल एंट्री बेटे, इनमें से कोई एक केस होगा जिसकी हम जन एंट्री कर रहे होंगे, केस नंबर 1 से 5 तक का, ठीक है। आपको पता है जब हम शेयर इशू कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे वहां पर? टू शेयर कैपिटल कर रहे थे हम बार बार, याद है सर? एक बार याद दिला दो, दिखा दो हमें दोबारा से, ताकि मन को संतुष्टि मिल जाए। मैंने कहा बेटे जब भी आप जन एंट्री कर रहे थे
तो आप कर क्या रहे थे, आप देखो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक तरह से देखा जाए तो यही तो हो रहा है। पहले उसका नाम एप्लीकेशन रख दिया, फिर एप्लीकेशन को पकड़ के डेबिट कर दिया, ओवरऑल तो यही हो रहा है ना, टू शेयर कैपिटल, बैंक आ रहा है जी और शेयर कैपिटल जा रही है जी, चाहे वो एप्लीकेशन की फॉर्म में जा रही है, चाहे वो अलॉटमेंट की फॉर्म में जा रही है, चाहे वो फर्स्ट कॉल की फॉर्म में जा रही है, चाहे वो सेकंड और फाइनल कॉल की फॉर्म में जा रही है, अल्टीमेटली हो तो यही रहा था, बैंक आ रहा था और शेयर कैपिटल जा रही थी। तो कुछ जगह जहां पर पैसा नहीं आया था, कुछ जगह बेटे जहां पर पैसा नहीं आया था, वहां पे आपने उसका क्या नाम रखा था जी? सर हमने उसका नाम रखा था कॉल्स इन एरियर्स। क्या नाम रखा था बेटे? कॉल्स इन एरियर्स। मैंने आपको एक दो क्वेश्चन करवाए थे जहां पर कॉल्स इन एरियर्स को कवर किया था मैंने, ये रहा। जहां पर पैसा नहीं आ रहा था वहां पर क्या अकाउंट खोला था हमने? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोला था, ये वाला खोला था बेटा। आइए जरा बेटा फोन रख दो स्वयं, आइए जरा और इधर ध्यान दो। तो फॉरफीचर के टाइम पर हम जब जन एंट्री करेंगे बेटे, तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं बताओ, हम कौन कंपनी, हमने क्या किया, सामने वाले से अपनी शेयर कैपिटल को वापस छीन लिया। बेटे बाद में बात कर लेगी स्वयं, बोल दो बाद में बात कर लेगी बेटा। हाँ इधर आओ, तो मैं कह रहा था, हाँ इधर आओ, हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के बोल दो बाद में बात कर लेंगे, इधर आओ। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे, हाँ ये तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारी उम्र का कसूर है ना, आ जाओ जरा। तो मेरे बच्चों जब फॉरफीचर होगा तो कैसे करेंगे बताओ, वो शेयर कैपिटल वापस छीन ली जाएगी। ये देखो सबके दिल में लाने शुरू हो गए, वापस इंतजार था सर आप कुछ कह दो और हम पटाखे छुड़ाना शुरू कर दें। हाँ देखो जरा, तो बेटे वो शेयर कैपिटल वापस छीनोगे तो कैसे करोगे, जैसे टू शेयर कैपिटल है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, वही शेयर कैपिटल वापस ली जाएगी। इक्विटी, मान लिया इक्विटी शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर बेटे सिक्योरिटी पीएम नहीं मिला तो कोल्डअप का हिस्सा है ना, बोलो है ना, तो फिर यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो क्रेडिट हुआ था वो भी यहाँ पर फिर तभी डेबिट होगा अगर रिसीव नहीं हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मतलब ये क्या है, एक तरह से ये क्या है बेटा, ये है कोल्डअप, जो हमने कोल्डअप पार्ट ढूंढा है ना, कोल्डअप पार्ट ये वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा वापस से। और इसके दो हिस्से, टू, या तो रिसीव हो गया होगा या रिसीव नहीं हुआ होगा, जो रिसीव हो चुका होगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यानी बेटे रिसीव्ड पार्ट, और जो रिसीव नहीं हुआ टू कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड Being shares forfeited, shares को forfeit कर लिया जी, है ना बेटे। दो चीजें हैं, एक तो कोल्ड अप, और कोल्ड अप के दो पार्ट, या तो रिसीव और या फिर नॉट यट रिसीव, ठीक है बेटा। लो जी आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सुनिए ध्यान से, ये जो दूसरा पार्ट है वो क्या है हमारा, नॉट रिसीव्ड पार्ट, नोट रिसीव पार्ट। तो बेटा ध्यान से मैं फिर से बात कर रहा हूं, जब कैपिटल हमने इशू की थी तो कैपिटल हमने क्रेडिट की थी, अब जब हम वापस लेंगे तो क्या होगा बेटे, कैपिटल हमारी वापस हो जाएगी, डेबिट डेबिट कर देंगे, है ना। तो प्रीमियम की भी यही कहानी है, अगर रिसीव हो गया तो भूल जाएंगे कि मांगा भी था, जब भूल ही गए तो फिर हम उसको कैंसिल नहीं करते, यानी कब होगा कैंसिल, जब हम लोग रिसीव नहीं करेंगे, कर पाएंगे, है ना, मांगा था लेकिन रिसीव नहीं करता। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई, आइए जरा मैं आगे बढ़ता हूँ और अगली बात करता हूँ जिसका नाम है री इशू ऑफ शेयर्स। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, आइए जरा री इशू ऑफ शेयर्स। लो बेटा
अमन ने भी साथ साथ फोन करके कह दिया तू फोन मत करी, और सर पकड़ रहे हैं यहाँ पे, धर पकड़ कर रहे हैं, कभी तू बीच में फोन कर दे, इधर आओ। अब री इशू की बात करो बेटे। बेटे जो शेयर्स हमने फॉरफीट किए थे उस पर कुछ पार्ट रिकवर था कि नहीं था? हाँ सर बिल्कुल था। कितना था जी बताओ जरा? सर वो तो हमने इकट्ठा कर लिया था। अच्छा कहाँ पे इकट्ठा कर लिया था बेटा जी? सर हमने ना शेयर फॉरफीचर में इकट्ठा कर लिया था। मतलब समझ लो आपने किसी को कोई सामान बेचा और सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, तो आपने उसके पैसे जब्त कर लिए और वो एक गुल्लक में डाल लिए। इस गुल्लक का नाम क्या है? ये देखो ये गुल्लक भरी हुई है बेटे पैसों से, उन वाले पैसों से जो आपने किसी के जब्त कर लिए। क्यों जब्त कर लिए? क्योंकि वो पैसे पूरे नहीं दे रहा था, तो हमने उससे कहा, हम कौन कंपनी, हमने उससे क्या कहा, बस तेरे पैसे गए, अब ये पैसे हमने जब्त कर लिए। बेटे सोच के देखो जरा, अब ये जो शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, अब हम कौन कंपनी। अगर हम ये शेयर्स किसी को दोबारा से इशू कर दें, क्या कहा मैंने, दोबारा से इशू मतलब री इशू, क्या बोलते हैं उसको, री इशू, किसी और को हम री इशू कर दें, तो हम कितने सस्ता दें कि हमें नुकसान ना हो? सर 10 रुपए का शेयर है, हाँ जी। सर उसमें से जो भी यहां पर ऑलरेडी, क्या कहा मैंने, ऑलरेडी मिला हुआ है, ऑलरेडी जो हमें मिला था, उतना सस्ता तो हम कर सकते हैं जी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि इतना अगर हमने सस्ता किया तो हम यहाँ शेयर फॉरफीचर से हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं, यानी कि री इशू के टाइम पर हम क्या करेंगे, हम जो भी अमाउंट हमारे पास में आएगी बैंक में चुपचाप से पहले तो लेके रख लेंगे, और 2 शेयर कैपिटल हम उसको क्रेडिट कर देंगे, फिर से हम री इशू के टाइम पर शेयर कैपिटल को, जाओ भाई शेयर कैपिटल तुम वहां जाओ। लेकिन अगर मान लिया शेयर कैपिटल तो गई ज्यादा की, और लेकिन अमाउंट हमारी कम मिली, तो जो अमाउंट कम मिली वो हम यहां से कंपनसेट करेंगे। आइए जरा मैं एंट्री इसकी लिखाता हूँ रीशू की। तो सबसे पहले हम क्या एंट्री करेंगे बेटे यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेटे मैं इक्विटी लिख रहा हूं फिलहाल, हो सकता है एक बार क्वेश्चन में प्रेफरेंस में हो तो प्रेफरेंस लिख देंगे, मैं को पता नहीं क्या मजे आ रहे, इनकी तीनों की चैट चल रही होगी, ये मुस्कुरा रही है मंदम मंदम। हाँ मैं नोट करता रहता हूँ, हर बच्चे पे फोकस रहता है और स्पेशली तुम तीनों पे तो बहुत ज्यादा रहता है कि शैतान जो ना कुछ ना कुछ शैतानी करते रहते हैं। रितिकर ने तो बस झंझट ही काट रखा है सा, अब लो भाई सारा का सारा कैमरा बंद कर दिया, लो भाई सारा का सारा पर्दा ऐसे रख दिया धड़, है ना राधा सरबजीत, लो भाई रितिका और कृतिका, हो भैया दोनों के नाम एक जैसे और दोनों की शैतानी एक जैसी। हाँ भाई कहाँ है सरबजीत? स्वयं ने कहा भाई अब ठीक है, अब मैंने ना कैमरा बंद कर दिया, मैं आराम से बात कर सकता हूँ। देखो जरा ये बच्चे कहाँ गई। भावेश ने तो टीम दिखा रखी है, पता नहीं क्या। भावेश बेटे छत दिखा रहे हो अंटू की तरह, वो अंटू कहाँ गया? अच्छा अंटू भाई मत डराया करो अंधेरा करके, कहाँ गए? चलिए जी आइए शुरू करते हैं फिर। ऐसा समझ नहीं आएगा भाई, वीडियो ऑन करो भाई। आहा, वॉइस नहीं ऑन नहीं हो रहा है, मैंने बंद कर रखा है मुंह इसलिए नहीं हो रहा है, कह रहा मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, अरे मैंने बंद कर रखा है इसलिए। वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, अंटू स्मार्ट लड़का, देखो आज दाढ़ी कटा के तो आ जाए, चेहरा दिखाओ भाई गंदी बात, आज क्लास तब आगे बढ़ेगी जब इस स्मार्ट बंदे का चेहरा दिखेगा। अंटू छत पर हटा के चेहरा तो दिखाओ बेटे, कहाँ तुम सीधे छत पे कैमरा लगा के रखते हो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी थी इन्होंने। चलिए तो कृतिका, हृदय, रितु, सरबजीत, इन सब ने कसम खा ली है कि आज हम कैमरा ऑन नहीं करेंगे, चाहे सर हमें क्लास से बाहर निकाल दे, ठीक है तो तुम ओके टाटा बाय बाय। 1 2 अच्छा सरबजीत ने और रितिका ने कसम तोड़ दी, कृतिका ओजस्वी और इनकी, 1 2 और ये गए। चलो आ जाओ मैं दे, आओ बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटे बैंक में कितने, अब ये देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो हमने इशू रीइशू किए, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, जितने शेयर्स हमने रीइशू किए हम उतने ही तो शेयर यहां पर, उतने ही शेयर पे तो अमाउंट की बात करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई रीइशू प्राइस। एक काम करो मैं पूरी स्क्रीन पे ना कॉपी ले आता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड मल्टीप्लाइड बाई री इशू प्राइस पर शेयर। अरे मैंने रिमूव कहां किया शैतान, आओ जी नंबर ऑफ शेयर्स री इशू जो किया मल्टीप्लाइड बाई री इशू प्राइस पर शेयर, ये तो वो है जो दोबारा से इशू यानी री इशू करने पर पैसे बैंक में आए, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स जो री इशू किए गए, री इशूड मल्टीप्लाइड बाई, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पर पेड अप पार्ट पर शेयर। हमने जो सामने वाले को बोला कि इतने रुपए तुम्हारे मान लो कि आ गए हैं, दैट इज कॉल्ड पेड अप पार्ट। कुछ ना बोले तो फुल्ली पेड अप मानेंगे, ये बात यहीं पे नोट कर लो कहीं, कुछ ना बोले तो मानेंगे जितने की फेस वैल्यू है उतने रुपए फुल्ली पेड अप मानेंगे। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो हम मानेंगे फुल्ली पेड अप हम दे रहे हैं, यानी 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज जितना क्वेश्चन बोलेगा इतने रुपए पेड अप तो इतने रुपए पेड अप। अच्छा और सर अगर मान लिया ये सस्ता गया, क्या मतलब सर कुछ कम पड़ गया तो, हाँ तो है ना वो अपनी गुल्लक, वो इसीलिए तो बनाई थी हमने यहाँ पर, वो जो गुल्लक है वो निकालो जो पहले पैसे रिसीव कर रखे हैं उसका क्या अचार डालेंगे, वो इसी तो काम आएगा। हम इस सामान को तो पहले बेच चुके थे, इस शेयर्स को पहले दे चुके थे, लेकिन हुआ क्या क्योंकि उसने सारी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी तो हमने शेयर फॉरफिट कर लिया। अब वो शेयर फॉरफिचर वाला अमाउंट जो है वो यही तो काम आना है, यानी कि उस शेयर कैप शेयर फॉरफीचर को भी हम यहाँ पर पकड़ के क्या करेंगे बेटे, डेबिट करेंगे। कौन से वाला, वही जो हमने यहाँ पर पहले क्या किया था बोलो बेटा, देखो जरा इधर यही वाला, ये जो पहले हमने यहाँ पर क्या किया था बेटे, क्रेडिट किया था, अब हम इसको क्या करेंगे वहां पर ले जा करके क्या करेंगे बेटे, डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। भाई जो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स री इशू किए जा रहे हैं रिलीवेंट पार्ट, मैंने क्या लिखा बोलो बेटे, रिलीवेंट पार्ट, सिर्फ उनका हिस्सा, यानी हो सकता है शेयर्स तो फॉरफिट ज्यादा हुए लेकिन री इशू कम हुए, है ना, जरूरी थोड़ा ना कि सारे के सारे शेयर्स री इशू हो जाए मतलब दोबारा से किसी और शेयर होल्डर को बोला कि तू ये शेयर ले ले और पैसे दे दे कंपनी को, तू भी शेयर होल्डर बन जा, तो हो सकता है सारे शेयर्स के लिए कोई शेयर होल्डर राजी ना हुए दूसरे, है ना बेटा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जितने शेयर्स के लिए शेयर होल्डर हमें मिल गए होंगे तो उतने शेयर्स के लिए हम बात करेंगे। सर ये बताओ अगर मान ले ये बच गया, मैंने कहा बेटे तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो समझ लो स्माइली बनाओ पार्टी करो, बस समझ लो ये क्या हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया, टू कैपिटल रिजर्व, ये हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट हो गया। वो सामान जो हमने अंटू तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ, वो सामान जो हमने बेचा था उस पर हमारा ऑलरेडी ये आ रखा था। अब ये देखना है कि कितने रुपए का ये सामान दिया और कितने रुपए बैंक में आए और जितने रुपए कम हुए वो हमने यहां से कंपनसेट कर दिए और जो बच गया उतने के लिए स्माइली, हमारा कैपिटल नेचर का फायदा। एग्जाम में मत बना देना स्माइली। हाँ क्या कह रहे हो, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा उसे सुनी। अच्छा मैं आगे चलता हूँ, लो मैं फिर भी मैं और साफ लिख के दिखाऊंगा तुम्हें। बैंक अकाउंट डेबिट, देखो जरा जूम करने में देखना तुम्हें सही दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट
कैसे कैसे? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में कैसे कैसे आएगी अमाउंट? नंबर ऑफ शेयर्स जो रीइशू किए मल्टीप्लाइड बाय रीइशू प्राइस पर शेयर, कितने में रीइशू हुआ जी, है ना। हाँ अलग भी एंट्री कर सकते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड मल्टीप्लाइड बाय पेड अप पार्ट, पेड अप पार्ट जितने रुपए हमने उसको पेड अप मान, ठीक है। अच्छा चले आगे, चलो आगे से मैं और साफ साफ लिखूंगा, आइए जरा। तो बेटे एक काम करते हैं फिर, अब तो बात तभी बनेगी जब हम लोग स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, है ना। एक काम करते हैं फिर ऐसे ना, अभी क्या है कि हमारा आज तो ये हो गया कॉन्सेप्ट पूरा, अब हमारे सारे के सारे स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन जो हमें करने हैं, ठीक है। तो स्टडी मैट के हमें क्वेश्चंस करने हैं, जिनमें सबसे पहले आपके लिए मैं एक छोटा था वो काम करता हूँ कि स्टडी मॉड्यूल का मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा देता हूँ अभी आज, कंपनी ये रहा जी, हाँ कैपिटल रिजर्व की एंट्री अलग से भी कर सकते हैं, जितने की फोरफीचर में हुआ उतना फोरफीचर में, क्या कह रहे हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज कराओ, कराता हूँ डोंट वरी, पांच से छह क्वेश्चन ठीक है जी, पांच से छह क्वेश्चन करा दूंगा, चिंता मत करो। आओ जरा बेटा देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, हंस रहे हैं जो वो समझ रहे हैं कि हो गया रहा है, हाँ ये पता नहीं नागराज बन के बैठ जाएगा कभी, कभी बंदर बन के बैठ जाएगा, डराया जाएगा। इधर सुनो, कह रहे कल भी कराना, बिल्कुल कल भी कराऊंगा, आठ दस नहीं पांच छह कराऊंगा बस क्वेश्चन। आओ जरा तो सुनो मेरी बात, आपके लिए ध्रुव कह रहा सर आठ दस क्वेश्चन से कम बात मत करना, ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे आपके लिए आज होमवर्क है, पहले सुन लो मेरी बात, हमने जितनी भी बातें शुरू से लेके अभी तक थ्योरी में पढ़ी वो सारी की सारी कहाँ पे लिखी हुई है, हमारे स्टडी मॉड्यूल में, ये सारी की सारी वही बातें हैं जिनको मैंने आपको चार्ट बना के अलग तरह से कहानी से सुना के मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्क्रीन पे। तो आपको क्या करना है बेटे, आपको ना ये घर से आज पढ़ना है, आपके लिए होमवर्क आज सिर्फ ये है कि आपको वही सब जो हमने लिख रखा है क्लास में अपनी स्टडी मॉड्यूल से क्या करना है, कवर करना है स्टडी मॉड्यूल से, ये सारा का सारा आपको क्या करना है कवर, जैसे मीनिंग ऑफ कंपनी है, मैं करा नहीं रहा चिंता मत करो, मैं करा नहीं रहा आज क्वेश्चन, ये क्या है कंपनी, इसकी थ्योरी है, साइलेंट टीचर्स है ना, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, कॉमन सील होती है, वो ये सब चीजें, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तभी तो नाम लिमिटेड होता है, कि ओनरशिप और मैनेजमेंट में दोनों में अंतर होता है, यही तो मेन पर्पज होता है, ये कोई सिटीजन नहीं होती है भाई, आदमी होगा तभी तो सिटीजन होगा। आइए जरा और क्या चीजें हैं जी, यहाँ पर देखिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ बुक, टाइप्स ऑफ कंपनी जो हमने बातें की थी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है, वो मत करना शैतानी, कभी पता चला पहला शैतानी शुरू कर दो, हाँ जो पुरुष नहीं है वो स्त्री है, जो स्त्री नहीं है पुरुष है, यानी प्राइवेट नहीं है पब्लिक है, पब्लिक नहीं प्राइवेट है, ये ड्रामा नहीं चाहिए, हाँ शैतान प्रॉपरली पढ़ना है, हाँ तुम्हारी बात बता रहा हूँ जो तुम शैतानी करते हो, हर बैच में शैतान होते हैं, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, कुछ नहीं बेटे, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है और पांच लाख क्या काम है, सॉरी 50 लाख को ध्यान रखना है, 50 लाख तक की कंपनी क्या मानी जाती है, टर्नओवर वाली, पेड अप कैपिटल वाली क्या मानी जाती है, क्या मानी जाती है, स्मॉल कंपनी, ठीक है ना, और जिसका प्रॉफिट 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होता वो भी स्मॉल कंपनी मानी जाती है, लिस्टेड कंपनी, ठीक है ना, अनलिमिटेड कंपनी, एक बार पहले शाहरुख खान ने खोली थी एक अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। आइए जी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, होल्डिंग कंपनी,
जो दूसरे वाली कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लेती है, वही सब बातें, सब्सिडियरी कंपनी जिसके ऊपर जिसके 50% शेयर कोई और खरीद लेता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस में मेंटेन कर सकते हैं, है ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको ना थ्योरी पढ़नी है खुद, जो मैंने आपको बता रखी है मैक्सिमम थ्योरी मैंने आपको क्लास में कवर करा रखी है। हाँ नालायक कौन है ये, बड़ी मजेदार वाली बात बोल रहा है, हाँ बोल रही है, नहीं नहीं ये क्या, हाँ कौन 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 बोल रहा था इनको, हाँ एक शैतान बोल रहा है, नाम नहीं लूंगा सर, अभी तो शाहरुख खान के बेटे का बेटी की कंपनी बनी हुई है इस टाइम पे, उसका बेटे का कंपनी बना हुआ है, हाँ सही कह रहे हो बेटे, सर आज वो पढ़ने का मन कर रहा है, थोड़ा और पढ़ा दो, ये नलायक शुरू हो गई, सर आज और पढ़ा दो, आज आज मन कर रहा है पढ़ने का और अकाउंट्स पता नहीं क्यों, हाँ मुझे पता है तुम लोग बोलोगे शैतानो, अब तो बोलोगी तुम लोग तीनों शैतानो। लो बेटा शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी, बेटा देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, देखिए सारे बच्चे पूरा ध्यान लगा के इधर सुनेंगे मेरी बात को, बेटे जो ये शेड्यूल थर्ड है, क्या कहा मैंने, शेड्यूल थर्ड कंपनी का पार्ट वन और पार्ट टू, आपके यहां पर क्या है इसके बारे में सिर्फ फॉर्मेट दे रखा है, मतलब आप ये समझ लो इसमें ना कुछ भी क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम, लेकिन क्योंकि बेसिक है फाउंडेशन तो इसलिए फॉर्मेट कहां डाल दिया गया, फाउंडेशन, लेकिन एग्जाम में आपको नंबर नहीं दिलाएगा, हाँ लेकिन कुछ जगह है जहां पर हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसका मैंने एक तरीका निकाला है, क्या तरीका निकाला है, शेड्यूल थर्ड हमारा कभी भी हम लोग अगर हम इसको पढ़ने बैठे, बेटे ये सीए इंटर का चैप्टर है, वहां पर ये पूरी डिटेल में होता है, तो मैं आपको बेफालतू में इस चीज में पकाऊं और ये सब चीजें मैं आपको कराऊं यहाँ पर, और फिर आप लोग उसको इंटरेस्ट लेकर ना पढ़े, क्योंकि हमारे स्टडी मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन तो है नहीं, मैं आपको ये फॉर्मेट पढ़ाता रहूंगा, थ्योरी की क्लास बन जाएगी, और आप एक भी क्वेश्चन ना तो कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है हमारे स्टडी मैट में सीए फाउंडेशन में, और ना ही आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि फिर तो टोटली थ्योरी की क्लास हो जाएगी, बेसिक बिल्कुल थ्योरी एकदम जिसको, लेकिन इसका एक मेरे पास में बड़ा अच्छा रास्ता है, अब वीडियो आप ऑन करें तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आया आपसे बात करने में, वीडियो आप बंद करके बैठ गए, हाँ मान ली बात ना लाए कैरी और पढ़ाओ शैतान, हाँ प्लीज सर क्वेश्चन करवा दो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेटे बिना क्वेश्चन ये दोनों तीनों शुरू हो गए बात कर करके आपस में, अब खिंचाई कर रही है सर की, सर और पढ़ाओ बेटे सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका मेरे पास में एक तरीका है बहुत ही अच्छा, देखिये यही सेम चैप्टर सीए इंटर में आपको पढ़ना है और बिल्कुल गहराई से पढ़ना है, तो 7 या 8 क्लास है लगभग, क्या कहा मैंने, 7 या 8 क्लास है सीए इंटर की, मैंने जो सोचा है वो आपके लिए वही सोचा है कि आप प्लीज शुरू की 1 क्लास या 1.5 क्लास आपके काम की है जिसमें आपको पूरा फाउंडेशन कवर हो जाता है, लेकिन बेटे बिना क्वेश्चन के कोई भी चीज मजा आएगा आपको करने में, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना वो 5 या 7 क्लास हैं, आप में से जो भी बच्चा ये चाहता है कि कंपनी में पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है ना, वो 5 या 7 क्लास में सीए इंटर वाली आपको दिखाना चाहूंगा, ताकि आपका एक एक पॉइंट हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए, आप मेरी बात समझ गए, नहीं समझे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो 5 या 7 क्लासेस हैं जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर बैकअप में, जिससे कि ये जो 1-1.5 क्लास शुरू की आपके काम की है उसके बाद में सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, तो जो भी बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहे प्लीज वो उन क्लासेस को जरूर करें, तो क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी कराने लायक नहीं बात है, मैं आपको ये ऐसे स्क्रीन दिखाऊंगा आपको समझाता जाऊंगा उसमें क्या होगा आपका इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा, ये सब आपने पढ़ भी रखा है, ठीक है ना, तो आप एक काम कीजिएगा, मैं आज तो नहीं कहता, मैं कल से आपके लिए मैं शाम को 1 क्लास डेली चला दिया करूंगा बैकअप में, शुरू की 1 क्लास आपके काम की, 1 या 1.5 क्लास जहां पर ये पूरा फॉर्मेट एक डिटेल में एक्सप्लेन किया गया अलोंग विद क्वेश्चंस, आपके स्टडी मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी नहीं है इसका फाइनल फॉर्म का, मतलब एक क्वेश्चन तक भी अगर हो, ये सब बातें टोटली थ्योरी की हैं, ये इसका एक भी क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का आप यहाँ पर नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन फिर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट ना खत्म हो जाए इस चैप्टर को, इसलिए मैं ऐसा करना
चाहता हूँ, ठीक है, और उसका फायदा भी होगा। हाँ, लाइव तो ये चली रहेगी कंपनी में, देखो लाइव में कभी भी ये चीज पकाऊ वाली चीज मैं आपको नहीं कराना चाहता, ये जो थ्योरी की क्लासेस हैं, है ना, तो क्या होगा ये सारी की सारी उसी में ही कवर है, वहां पर एक एक चीज को लिख के हमने बात की। हाँ, लाइव भी चलती रहेगी, यानी कि अब हम क्या करेंगे, कल क्लास में हम क्या करेंगे, कल आप ये वाला जो पहला पार्ट मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, इंट्रोडक्शन वाला, क्या कहा बेटा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये आप घर से थ्योरेटिकली चीज आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है ये इशू, फॉरफीचर और रीइशू, ये मैं आपको कल से ही लाइव में शुरू हो जाऊंगा आपको कराना। इसमें एक एक इलस्ट्रेशन है जो मैं आपको यहां पर कराऊंगा, ठीक है बेटा। कल हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरुआत अपनी, ये है हमारा इशू, फॉरफीचर और रीइशू हमारे शुरू हो गया कल से, ठीक है। तो चलिए, कल हम लोगों की लाइव क्लास में तो यहां से शुरू होगा, ठीक है। जो बच्चे अभी इस टाइम पर यहाँ पर है उनको मैं मैसेज देता हूँ, कल हम लोग शाम को आपके लिए कंपनी का टाइम क्या होगा सर इसके बैकअप का। देखिए, आप लोगों में से जिस बच्चे ने वो सर्विस एक्सरसाइज कर रखी है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर वाली, तो उनको तो वहां पर भी वो लेक्चर मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, वो वहां से भी देख सकते हैं। और रही दूसरी बात, शाम को 4:30 बजे जैसे ही हमारी क्लास ओवर होगी उसके तुरंत बाद में मैं वो क्लास चला दूंगा, ताकि आप लगभग 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाए, ठीक है। चलिए फिर, मैं आज क्लास ओवर करता हूँ, कल हमारी लाइव क्लास में इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरुआत होगी, इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू, ठीक है। किसी को कुछ कहना है? चलिए, तो रिकॉर्डिंग में जो बच्चे देख रहे होंगे बैकअप में, उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी।